बोलने का मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मेरे पहले वक्ताओं ने जो वास्तव में पूर्व सरकार की जो वास्तव में अपने मनगढ़ंत जो ये बातें रखी वो कहीं पे भी धरातल पर नहीं उतरी। सभापति महोदय, मैं आपके सामने मैं बताना चाहता हूँ, ये पूर्व सरकार घोषणा के अलावा कुछ भी नहीं किया। बराये माने सदस्य, आपका समय पूरा हो तो ये घोषणा रह गई। इन्होंने कहा था कि हम पूर्व में जब हमारी वसुंधरा राजे जी की सरकार थी तब गौरव पद बनाने का हमारे को हर पंचायत को दिया था, उसको इन्होंने चेंज करके विकास पद का नाम लिया। मगर मैं सभापति आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, पूर्व सरकार के जो यहाँ पर मेरे भाई सदस्य बैठे हैं, मेरी विधानसभा में ही नहीं पूरे हमारे भारतीय जनता पार्टी से जीत कर आने वाले विधायकों को एक भी विकास पद नहीं दिया। यही नहीं, मैं वास्तव में इन्होंने पेरा फेरी एरिया के अंदर हमारे गरीब जनता चाहे वो किसी भी समाज की हो बरसों से रह रही थी, उसको ये कहा था कि 11 नवंबर 2011 से पहले का कोई भी प्रमाण लाकर पट्टा ले जाओ। मगर सभापति महोदय एक आदमी को पट्टा नहीं दिया, वहां हमारे प्रधानमंत्री आवास का एक भी मकान गरीब नहीं बना पाया क्योंकि पट्टा ही नहीं था। यही नहीं, नंदी गौशाला खोलने की बात कही थी का हर पंचायत स्तर पर हम पंचायत मुख्यालय पंचायत समिति मुख्यालय पे नंदी गौशाला खोलेंगे, एक भी गौशाला नहीं खोली। यही नहीं, पंचायत राज के अंदर भाजपा का जो वास्तव में बोर्ड था वहां पर एक पंचायत को तीन तीन पंचायत समिति का एक सदस्य में बांट दिया ताकि इनका प्रधान बन जाए। ये इनकी ऐसी नीति से ये प्रधान तो बना लिया मगर ये इनके विधायक को नहीं जिता पाए, ये जनता समझ चुकी है। यही नहीं, आपको मैं बताना चाहता हूँ, विद्यालय के अंदर महात्मा गांधी का नाम को रख के और अंग्रेजी माध्यम विद्यालय खोल दिया मगर वहां ना तो टीचर था और ना वहां पर भवन बना हुआ था। ऐसी स्थिति में हमारे गरीब आदिवासियों के साथ में इन्होंने खिलवाड़ किया। यही नहीं, पूर्व सरकार ने जनता क्लिनिक का वादा किया कि हर वार्ड के अंदर जनता क्लिनिक खोलेंगे। सभापति महोदय, एक भी मेरे इस विधानसभा के अंदर गांव के अंदर कोई भी जनता क्लिनिक नहीं खोली। यही नहीं, पूर्व सरकार ने हमारे विधायक जो भी भारतीय जनता पार्टी से जीत कर आए उनको छांट छांट कर चाहे डीएमएफटी फंड हो और चाहे मेरे विधायक फंड को भी इन्होंने रिलीज नहीं होने दिया। इन्होंने ये सोचा कि ये विधायक फंड का पैसा भी लग जाएगा तो ये जीत कर आ जाएगा। डीएमएफटी फंड को भी इन्होंने हमारे विधायकों के यहाँ पर रोक दिया और इनके जो भी विधायक थे वहाँ पर भंडार खोल दिया। फिर भी मैं ग्रामीण विधानसभा की जनता का आभार व्यक्त करता हूँ जो रिकॉर्ड तोड़ मत उसे जिता कर विधानसभा में मेरे को भेजा और लोकसभा में भी तीसरी बार हमारा सांसद को जिता कर भेजा। राजस्थान में अब मैं विकास की बात करूं तो हमारा बजट के अंदर भजन लाल जी की सरकार ने राजस्थान में विकास का डबल इंजन प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा सरकार ने राजस्थान के को विकास और सुशासन स्थापित करने का आगाज कर दिया। आचार संहिता के बावजूद भी 53% बजट घोषणा और संकल्प पत्र के 45 बिंदु पूरे किए गए हैं। हमारी माता बहनों को 450 रुपये में सिलेंडर देने का जो वादा किया वो पूरा। पिछली कांग्रेस की सरकार की गलत नीतियों के से कमजोर वित्तीय स्थिति छोड़ी लेकिन हम राजस्थान को
350 बिलियन डॉलर की इन इकोनमी बनाने का राजस्थान के युवाओं को जोश और ज्ञान का सदुपयोग करने के लिए हमने 4,00,000 भर्तियां करने का संकल्प लिया। युवाओं के भविष्य के खिलवाड़ करने वाले माननीय सदस्य आसन को पीठ बताकर बैठे हमारे वरिष्ठ साथी, देख ले आप नजारा। सभापति महोदय, आपके माध्यम से पेपर लीक करने वाले ऐसे लोगों को वास्तव में डम्मी पेपर देने वाले और पेपर लीक करने वाले 100 लोगों को गिरफ्तार करके उनके जो वास्तव में आशियाना पर भी बुलडोजर चलाने का काम भजन लाल जी सरकार ने किया, 10,00,000 से भी अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमारे इस बजट के अंदर भजन लाल जी की सरकार ने किया। यही नहीं, 138 विद्यालय। सभापति महोदय, हो गया समय? ये समय सभापति अभी तो खड़ा हुआ हूँ, मेरे को तो अभी बोलने का यही नहीं किया, अभी 5 मिनट भी नहीं हुआ, 10 मिनट मेरे को दिया है सभापति महोदय। चेंज हो गई व्यवस्था, मैं बता दूं, मैं आपको सबको साथ साथ नट कर रहे हैं, बोलने वाले वक्ता 35 है, तो अब समय 7 मिनट में अपनी बात करें, आप जल्दी अपनी बात को पूरा। तो मैं बात ही तो कर रहा हूँ सभापति महोदय, मैं इनके वास्तव में काले कारनामों को याद कर रहा था, हमारा बजट पर तो आया ही नहीं, इन्होंने क्या दिया हमारे को? बहुत अच्छा बोल रहे हैं सभापति महोदय, हमारी सरकार आते ही पहले 20-20 हैंड पंप और 10-10 ट्यूबवेल देने का, जो वास्तव में अभी हमारे जनजाति परिवारों को वो ये तोहफा देने का काम किया। यही नहीं, बिजली में भी और किसानों को जो वास्तव में सभापति महोदय, एक मेरी तो 2 मिनट में पूरी कर रहा हूँ सभापति महोदय, मैं सरकार का धन्यवाद तो कर दूं, सरकार का धन्यवाद तो करने दो। मेरी विधानसभा के अंदर नांदेश्वर से रामपुरा तक का जो रोड, देवारी से प्रताप नगर तक एलिवेटर रोड, पारस दिराये पर फ्लाई ओवर, जड़ावर नर्सरी से कलड़वास तक का रोड, नांदेश्वर जाडोल रोड से कविता तक जो रिंग रोड, नाई की तहसील बनाने का ये जो सरकार ने हमारे को दिया, उनका धन्यवाद देता हूँ। 5 साल तक हम इंतजार करते रहे सभापति महोदय, 1 मिनट सभापति महोदय, 1 मिनट 1 मिनट सभापति महोदय, सभापति महोदय करता हूँ, मैं मांग करता हूँ, मुझे मेरी विधानसभा के अंदर फेरी के अंदर बसे हुए लोगों को पट्टा दिलाने के लिए सभापति महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद सभापति, धन्यवाद हमारे